जिम्मेदारी में है। सबसे पहले तो मैं अपनी क्यादत में मोहम्मद नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करूंगी। नहा के सुकून मिल गया। किचन में बहुत गर्मी थी, आज मैंने बनाया है खाना तो शावर ले लिया है। अब मैं होने जा रही हूँ तैयार और आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग होने जा रहा है, बड़ा मुनफरिद व्लॉग। और कौन मेरे घर में आ रहे हैं वो मैं आपको स्पेशल अगले व्लॉग वो आपको स्पेशल मैं दिखाऊंगी कि कौन कौन लोग मेरे घर आ रहे हैं और व्लॉग कैसा होने जा रहा है। तो अब मैं होने लगी हूँ तैयार, मुझे दीजिए इजाज़त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा नायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक है। तो आज जो मेरे लिए बड़ी ही खुशी का दिन है, और बल्कि शाम हो चुकी है और आज मैंने बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा, और आज मेरे घर पर मेरा इंटरव्यू करने के लिए हमारी लेजेंड फिल्म स्टार दुर्दाना रहमान ने अपना एक चैनल उन्होंने बनाया है और उस मेरे घर तशरीफ लाई हैं और मैं उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ। और उसके साथ आमिर शाह हैं जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, जो उन्होंने शोबिस को जिंदा रखा, शोबिस इंडस्ट्री को जिंदा रखा और बड़े बड़े स्टार्स के उन्होंने इंटरव्यू लगाए और वो भी मेरे घर तशरीफ लाए हैं मेरा इंटरव्यू करने के लिए। तो मैं आपका बहुत शादी आपका बहुत बहुत शुक्रिया दुर्दाना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे घर तशरीफ लाई हैं। शुक्रिया जी जी, आपका घर है क्यों नहीं, मेरी फ्रेंड भी हो, आप मेरी फ्रेंड भी हो, चैनल का रिश्ता नहीं है हमारा, हमारा रिश्ता बहुत पुराना है और आप मेरी फ्रेंड भी हो, शुक्रिया। किसका नहीं, मैं फ्लैश ऑफ कर दूंगी, एकदम आप कर पहले हमको बुला रहे हैं। हमारा परफेक्ट है, ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ जी, 3, 2, 1 स्टार्ट। आपको तो पता है मैं किसी ना किसी से आप लोगों की मुलाकात करवाती हूँ, कभी किसी सिंगर से, कभी किसी आर्टिस्ट से, कभी किसी सियासतदान से। और आज ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं, जब इनका नाम अंबर था, शादी से भी पहले की बात है। तो दोस्तों आज बड़े दिनों से हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे कि इनका इंटरव्यू करना है, इनका इंटरव्यू करना है, तो आज मैंने इनको पकड़ ही लिया, मैंने कहा चलिए आज इनका इंटरव्यू करते हैं। अभी आप सुने प्यारी प्यारी बातें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। बड़ी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह आपकी नजर है, मोहब्बत भरी नजर है आपकी, आपको बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपनी क्यादत में मोहम्मद नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मुझे दूसरी दफा कल्चरल विंग पंजाब की सदर बनाया, मुझ पे इत्माद करते। बड़ी बात है। और जगह पे खड़े हुए हैं, इसके बारे में कुछ आप रोशनी डालें। दुर्दाना जी, अभी आप माशाल्लाह शोबिस से तलक रखती हैं, लेकिन जब आप गहराई में सियासत में जाएंगी तो आपका टाइम भी ज्यादा लग जाएगा। दोस्तों भी दोस्त हैं और बड़ी अच्छी हैं, यही रोल होता है जिंदगी में, बच्चों पे सलामत रखे, हमेशा खुशियां दें। और मेरी तो आप ऐसी दोस्त हैं कि कभी आप बुटीक बनाए तो वहाँ से भी मुझे आप गिफ्ट दे देती हैं सूट, बल्कि अभी मैं सोच रही थी बुटीक कर रही हैं जी। पहला तो मेरा इंटरव्यू हो गया है, अब मैंने अपना ड्रेस बदला है दूसरे इंटरव्यू के लिए, जो कि मेरी आमिर शाह इंटरव्यू ले रहे हैं अपने चैनल के लिए। और आज मैं इस वक्त एक बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी के पास मौजूद हूँ। चंद दिन कबल ही मेरी इनसे मुलाकात हुई और कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा लाइफ पे इफेक्ट करती हैं और इन्होंने भी बहुत इफेक्ट किया। तो मेरे वाले जो जागीरदार थे और पॉलिटिकल फैमिली थी, तो बच्ची मैं शरारती नहीं थी, संजीदा थी, शरारतें नहीं करती थी और मेहनती थी और ज्यादा ख्वाब भी नहीं बुनती थी। अच्छा। हाँ बिल्कुल, ये नहीं देखती थी कि मेरा दूल्हा कैसा होगा, मेरी शादी कैसे। मेरी भी कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा उसके हर फंक्शन पे जाऊँ और उसके घर जाऊँ, बल्कि मैं कई दफा फोन भी कर देती हूँ क्या कर रही हो, मैं आ रही हूँ। आर्टिस्ट मोस्टली ये सुनने में आता है कि बड़े मकबूल होते हैं। जी जी, ये उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि गैर है, मैं तो आपको पता है कि काफी इंटरव्यूज हो गए। जी जी, आपका तो एक नाम है माशाल्लाह। तो मैं तो जानता हूं, मैं बड़ी मेरी खुशकिस्मती है कि आज आमिर शाह मेरे के, माशाल्लाह दो बच्चे हैं। जी जी, बेटी और बेटा। जी, उनके हवाले से थोड़ा बात करें, जैसे आपके बेटे क्या काम करते हैं? जी, मेरा बेटा जो है ना, पहले तो मेरे साथ वो उधर प्राइम मिनिस्टर हाउस में था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जब दौरे इक्तदार थे, मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उधर सारा इंचार्ज थे सोशल मीडिया के,
और सारा वो मुकम्मल इन्होंने संभाला हुआ था। फिर जब हम अपोजिशन में आए तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले, तो फिर अभी अपने फादर के साथ ना कुछ रियल एस्टेट का कुछ बिजनेस कर रहे हैं हम जी, और कुछ घर शर बना रहे हैं। तो लेकिन अपने फादर के साथ लगे हुए, एक ही बेटा है तो बस उसकी अब शादी करनी है, बस मेरा ख्वाब यही है कि अच्छी सी बहू आए। और एक बेटी है उसकी 4 साल पहले मैंने शादी कर दी। माशाल्लाह। लाओ जी इधर माइक उतार दे। हाँ जी माइक उतार दे। ये जी शाह जी माइक ले लो जी। हाँ जी मेरे बहन भाइयों, कैसा लगा मेरा इंटरव्यू और मेरा स्टाइल और उठना बैठना? क्योंकि आज मैं ब्लॉग दिन को तो नहीं बना सकी, मैंने यही स्टॉप किया हुआ था कि मेरे घर में शाम को बहुत बड़े यूट्यूबर आ रहे हैं और मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी आ रहे हैं, तो मैं आपको अपना ब्लॉग जो है ना मुकम्मल इसी ड्राइंग रूम में और जो हमारे दरमियान हो रहा है वही आज का ब्लॉग होगा मेरा, तो मेरे साथ साथ रहिएगा। तो जी दुर्दाना जी होगी शादी, दिखाओ थोड़ा सा शक्ल। दोस्तों देखिए आज हम लोग डिनर भी कर रहे हैं और जी मुझे जी दोबारा उन्होंने जब सदर बनाया ये वाला अच्छा वो मुझे मुशीर बनाया हमजा साहब ने, वो मिस्ट्री मुझे दी और ये मुझे दोबारा सदर बनाया। और ये मरियम साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में जहाँ मेरा बेटा था ना, तो मैं उधर वहाँ मिलने गई थी मरियम साहब। उधर भी वो मरियम साहब देखा हमेशा ये सासन दोस्तों खाना भी खा रहे हैं ताकि, और उधर मियाँ साहब के साथ वो मेरे फादर हैं। ये फोक ये आपके सामने स्टैंड नहीं हो गए। दोस्तों आज कितना मजा आ रहा है ना, किस वक्त आपके साथ भी डिनर करेंगे। लो आज की जो तकरीब थी उसका हुआ इख्तिताम और मेरे इंटरव्यू भी माशाल्लाह हो गया। आज मेरे दो इंटरव्यू हुए आमिर शाह के चैनल पे और दुर्दाना रहमान फिल्म स्टार दुर्दाना रहमान के चैनल पे, और जब वो नशर करेंगे तो मैं अपने उसमें लिंक डाल दूंगी अपने चैनल पे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। मेरा व्लॉग आज का इतना था, तो दुआओं में याद रखना, शब बखैर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़।